नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। और हमारे साथ जो है झारखंड सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री हैं, आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता जी, चतरा से जीतकर आए हैं। आइए सर, सबसे पहले आपको बधाई हो जीत के लिए। सर धन्यवाद। आज अभी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, अनुपूरक बजट भी, तो कैसे देखते हैं जो प्राथमिकताएं आप लोगों ने तय किया, क्या सारी बातें? पूरा महामहिम राज्यपाल महोदया को भाषण को आप लोग सुने होंगे, काफी संक्षिप्त रहा। बहुत संक्षिप्त में सब कुछ आ गया, विकास के 2020 का रास्ता दिखाया गया और उसमें सुरक्षा में ध्यान में रखा गया है, विकास रखा गया है, गरीब दलित शोषित पीढ़ी महिलाओं का मान सम्मान रोजगार सब उसी में है। लिए अभी मौका मिला है, 2020 विकास वर्ष रोजगार वर्ष होगा। अभी काफी कुछ राज्य में आप देख रहे हैं, काफी आर्थिक अगर हम बात करें, रोजगार की बात करें, उसको लेकर मुश्किलें पैदा हुई हैं, तो आप इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? झारखंड में धन की कमी नहीं है, नेताओं के मन की कमी थी, इच्छा शक्ति होना चाहिए। यहाँ सरकार चाहेगी तो कभी भी कुछ भी कोई भी काम हो सकता है, लेकिन पहले तो खाली जो ये 5 बरस जो 14 से 19 बीता, झूठा भाषण, झूठा राशन, झूठा शासन ने समय बिता दिया, अब काम होगा। महागठबंधन ने काफी कुछ जो है अपनी चुनावी घोषणा में कहा है, नौकरियों देने के नौकरी के लिए वादा किया है, कांग्रेस ने भी कहा है, जेएमएम ने भी कहा है, और आपने ये वादा किया होगा, तो जो सबसे ज्यादा नौकरी का सवाल है तो उसको कैसे आप लोग? प्रथम जो कैबिनेट हुआ 29 तारीख को, जो पहला माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लिया कि जितने विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त है, कितना पद है और उसको हम लोग भरना है, तो जो एमए बीए बीएड मैट्रिक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करके जो बैठे हुए हैं, उम्र खत्म हो रहा है, वैसे लोगों को अवसर मिलेगा। हम लोग बाहरी निकालने जा रहे हैं। इस बजट में क्या कुछ आम आदमी को मिलेगा? बहुत बहुत राहत मिलेगा, बहुत बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। एक लास्ट सवाल आपसे सर पूछना था कि जो कुछ जो है सरकार, आपने मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल का शपथ लिया, पोर्टफोलियो बंटवारा में कहाँ दिक्कत है? खरवास है, खरवास से बस सब ठीक हो जाएगा। मतलब खरवा इसलिए रुका हुआ। चलिए, जैसा कि आज हालांकि अभी विधानसभा का आज दूसरा दिन है अगर ऑफिसरी करें तो, और जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता ने अपनी बात रखी, हालांकि अभी उन्हें पोर्टफोलियो नहीं मिला है, इसलिए आप ज्यादा कुछ मंत्रालय से संबंधित उनसे बातें नहीं उन्होंने बोली, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई कि हमारी जो सरकार है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, खासकर रोजगार के में आप देखेंगे कि लोगों की जो है नियुक्तियां होंगी, रोजगार मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार ने जो कुछ चुनाव में घोषणा किया था उस पर कितना खरा उतर रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं शशि भूषण, झारखंड विधानसभा रांची।